बिलासपुर के बरमाना में मनाली चंडीगढ़ एनएच के किनारे स्थित गागल सीमेंट फैक्ट्री में बड़ा हादसा होने से टल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार फैक्ट्री को सीमेंट निर्माण के लिए क्लिंकर की सप्लाई ले जाने वाली लेन की बेल्ट टूटी, जिसके कारण धमाके से शेड के भी परकच्चे उठ गए। गनीमत ये रही कि हादसे के दौरान लंच टाइम हो गया था, जिससे मजदूर भोजन करने के लिए कैंटीन में गए थे, अन्यथा इस हादसे में अनेकों लोगों को अपना अनमोल जीवन हाथ धोना पड़ सकता था। बिलासपुर के बरमाना में मनाली चंडीगढ़ एनएच के किनारे स्थित गागल सीमेंट फैक्ट्री में बड़ा हादसा होते होते टल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार फैक्ट्री को सीमेंट निर्माण के लिए क्लिंकर की सप्लाई ले जाने वाली बेल्ट टूट गई, जिसके कारण धमाके से शेड के परकच्चे भी उठ गए। नीमत ये रही कि हादसे के दौरान सभी मजदूर लंच करने के लिए कैंटीन में गए थे, अन्यथा इस हादसे में अनेकों लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ सकता था। घटनास्थल निरीक्षण करने के लिए मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। स्थानीय लोगों ने एसीसी प्रबंधन पर तय मानकों के अनुरूप कार्य नहीं करने का आरोप भी लगाया। जब यह हादसा घटित हुआ तो चारों ओर दिखाई सिर्फ सीमेंट के ही गुवार दिखाई दे रहे थे। अमरजीत, मैं बरमाना का स्थायी निवासी हूँ। आज लगभग 1 और 1.5 बजे के बीच में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बरमाना के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके कारण एसीसी कारखाने के अंदर से जो धुएं का गुबार निकला उसने पूरे बरमाना को और आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। यह कारखाना लगभग 40 वर्ष पुराना है, लेकिन हम समय समय पर प्रशासन को भी तथा कंपनी प्रबंधन को जताते रहे कि कारखाने की सही तरीके से देखभाल और जांच की जाए, लेकिन एसीसी प्रबंधन हमेशा मानकों का उपहास ही उड़ाता रहा है, क्योंकि एसीसी कारखाना मानकों के आधार पर कार्य नहीं कर रहा है, जिसके कारण जब यह हादसा घटा उस समय मजदूर लंच टाइम होने के कारण खाना खाने के लिए निकले हुए थे, अन्यथा इस घटना से सैकड़ों लोग इस चपेट में आ जाते